समाज सेवा बारे, समाज सेवा तुसी कितना शुरू की थी, जो चल रही ने उन्होंने बड़े रोले भी होंगे ने। उस तो समाज सेवा के भी मतलब कई पहलू ने कि समाज भी सेवा आप समाज लिए करते हैं या अपने आप लिए करते हैं, या जो नौजवान ने वो ब्लड के नाल ब्लड डोनेशन के नाल क्यों जुड़न, तो ब्लड डोनेशन जी बिना बहुत ही औखा है मरीजों का, तो खास करके थैलेसीमिया बच्चों का। तुसी एक प्राइवेट ब्लड बैंक के खिलाफ ही मोर्चा खोलता, उस की सच है? एक मतलब जो डोनर है वो डबल बैग जी सैल कढ़े जा रहे थे जी, कहिंदे कितना कितने गुरमुख जी ने यही चेटक अपनी घरवाली भी लाई है भी खून देने की। तो मेरी वाइफ है जी, मेरी वो भी ब्लड डोनर है, ब्रदर मेरा ब्लड डोनर है जी, तो हजे मेरे बच्चे तो मेरे भतीजे छोटे ने भांजे, उन्होंने मैं कह हूँ कहना ना वो इस टाइम 15-16 साल के ने मेरे भांजे भतीजे जी, जो तुम 18 साल के हो जाओगे तो पहली डोनेशन मैं खुद कराऊँ ब्लड बैंक जाके। ब्लड बैंक जोड़े ने वो लेंदे ने मुफ्त लेंदे ने, पर जो तो देन लगे बड़ी अड़ियल रवैये फीस लेंदे ने पूरी, उन्होंने कोई भी रियायत नहीं दी जाती, कि तुहानू नहीं लगता कि ये कितना कितने गलत है? दूजा ब्लड मिलता क्यों नहीं? सब तो बड़ा कारण 140 करोड़ की अपनी आबादी है भारत तकरीबन जी, वो ब्लड डोनेशन मौजूदा समय भी सिर्फ 2% होंगी है। दो संस्थावां आपस दे विच लड़ियां, उन्हें एक दूजे दे इल्जाम लगाए कि तू ब्लड बैंक ब्लड जिहड़े कैंप ने ज़्यादा लगाए ने इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया। कई संस्थावां हैगियां इहो जिहियां जिहड़ी कि मतलब ब्लड डोनेशन दे पैसा भी कमा रहियां ने, तो जिवें आपां कहीं भी कैंप ला रहियां ने, वो कैंप विच कि पर डोनर जिहड़ा हुंदा जिहड़ा ब्लड बैंक मिलदा प्राइवेट ब्लड बैंकां चों भावें 100 रुपये 80 रुपये सरकारी चों 50 रुपये 60 रुपये वो अपनी जेब च पाई जांदे ने। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो होस्ट पंजाब टीवी, तो मैं हाँ अरविंदर सिंह। तुसी अज प्रोग्राम देख रहे हो एक खास शख्सियत, अज असी एक खास विषय के उत्ते गल करन जा रहे हैं जिदे बारे अक्सर लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि समाज सेवा एक अजिहा शब्द है, एक अजिहा नाम है जिदे करके लोग उहदा असल जिहड़ा सच उह जान ही नहीं पाते, पता नहीं लगता कि कितने सच है कि कितने की झूठ है। तो कई बार इस तरह होंदा है कि असल जरूरतमंद सेवा वजो रह जाता है, क्योंकि बाजारों के कई गलत अफवाहां जिहड़ियां ने वो चल रही होंदियां ने, तो जिहदे करके जिहड़ा लोड़वंद है उसनू सही मदद नहीं मिल सकती। सो इसे सब बारे चंगी तरह जानने लई साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने गुरमुख गुरु जी। सब तो पहला स्वागत है जी तुहाडा। गुरमुख जी, अज असी तुहाडे तो काफ़ी कुछ जानना चाहवांगे समाज सेवा बारे, समाज सेवा तुसी कितना शुरू की थी, जो चल रही ने उन्होंने बड़े रोले भी होंगे ने, पर सब तो पहला जो सावाल है ब्लड नू लैके है कि अक्सर जोड़े ने ब्लड बैंकों के बारे, क्योंकि जोड़े लोग या जोड़े नौजवान ने वो ब्लड के नाल ब्लड डोनेशन के नाल क्यों जुड़न, या उन्होंने की ये नुकसान है या की फायदा? सब तो पहला धन्यवाद, तुम मैं निमाले इतने बुलाया, माण बख्शिया, आम जनता ना रूबरू होने का एक मौका दिता। तो जिदा तुम पहला गल शुरू की कि भी समाज सेवक या समाज सेवा, तो उस तो समाज सेवा के भी मतलब कई पहलू ने कि समाज भी सेवा आप समाज लिए करते हैं या अपने आप लिए करते हैं जी, मतलब कई यहोजी मतलब समाज सेवी संस्थावान ने या समाज सेवक ने भी वो समाज सेवा तो अपने लिए करते हैं, कितना कितने मतलब उन्हों का जो खर्चा पानी है वह चलता थोड़ी डोनेशन तो ही जी, तो दान दौ पर अखा खोल के दौ जी, दान देने तो पहला उस बंदी तफतीश कर लो कि बाकी थोड़ा दिता दान सही थान पर लग भी रहा कि नहीं लग रहा जी। तो दूजी जो गल की है ब्लड डोनेशन की, ब्लड डोनेशन एक बहुत ही जरूरी अपना जिंदगी का हिस्सा, तो ब्लड डोनेशन जी बिना बहुत ही औखा है मरीजों का, तो खास करके थैलेसीमिया बच्चों का, जो थैलेसीमिया बच्चे ने उन्होंने भी ला लो जमांदरू ही खून बनता ही नहीं, जिदा अपने मतलब शरीर चलता ऑक्सीजन पर, तो उन्होंने जोड़े चलना है सह चलने ब्लड पर जी, उन्हों की बॉडी जी ग्रोथ है भी इन्नी नहीं होंगी हैगी, तो उन्होंने जिमें जिमें उम्र बढ़ती है उम्र शरीर की जी खुराक है ब्लड वो भी बढ़ती है जी, उंज लौट पेगी उन्होंने कहीं महीने बाद, जिमें बच्चा बड़ा हो जाऊगा फिर 2 हफ्ते बाद फिर हफ्ते बाद जी,
जिदा गल करिए पटियाले की माल वजह का सब तो बड़ा ब्लड बैंक है रजिंदर अस्पताल पटियाला जी। तो उसके उत्ते एक जो वार्ड है थैलेसीमिया वार्ड जी 257 बच्चे अडोप्ट किए हुए ने जी थैलेसीमिया सोसायटी ने जी। तो हम कितना किए असं बच्चों सोचते भी किसी तरह थैलेसीमिया के बच्चों ब्लड की घाट ना हो या कि ब्लड की घाट या ब्लड ना मिलने करके बच्चे का किसी नुकसान ना हो जाए। उस तो अलावा जो होर गंभीर मरीज ने भावें डिलीवरी केस ने एक्सीडेंट केस ने किसी ऑपरेशन होना है जिवें डेंगू लोड पैंदी प्लेट चलती तो साडे वल्लों साडी संस्था वल्लों VMD वंदे मातरम दल वल्लों यह सेवा पिछले 10 साल तो निर्विघन निस्वार्थ निभाई जा रही है तो इदा ही निभाते रहेंगे। गुरमुख जी एक इत्थे बड़ा वड्डा सवाल है कि गुरमुख जी आप इन्हां लोगों को मोटीवेट करते हैं कि लोग खूनदान करन पर एक अजिहा कुछ समा पहला यह भी गल हुई कि तुसी एक प्राइवेट ब्लड बैंक के खिलाफ ही मोर्चा खोलता उस उहदे विच की सच है? देखो जी गल है भी मतलब विरोध तो होनी जरूरी है भावें कोई भी आधार है या कोई भी सैक्टर है जी किसी गल का आप विरोध करा तो उदों ही फिर सिस्टम सुधार आऊगा। जे आप मतलब चुप रहेंगे कितना कि जोड़ा वो मतलब माड़ा काम अगर वधी जाऊगा जी। तो जिदा भी अपने अपने शास्त्रां च अपने ग्रंथां विच अपने गुरुओं सीख्या भी है भी जुलम करना भी गलत है जुलम सहना भी गलत है जी। तो साडी संस्था वंदे मातरम दल ना तो जुलम किसी करती है ना सहती है जी। तो साडी संस्था मतलब शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराभा उन्होंने अपना आदर्श मन के असी 27 सितंबर 2005 में स्थापना की थी जी। उन्होंने शहीदा तो असं आदर्श मन के उन्होंने सेवा करते आ रहे हैं हूँ तक तो करते रहेंगे जी। गल तुसीं कीती प्राइवेट ब्लड बैंक जिहड़ा एक हैगा सी पटियाले का जी उस ब्लड बैंक के अंदर की हो रहा सी भी जिवें लोड़ हुंदी है डेंगू डेंगू मरीजों प्लेटलेट सैल की जिहनूं आपां SDP सैल भी कहने हैं जी। तो एक मतलब जिहड़ा डोनर है उहदे डबल बैग जी सैल कढ़े जा रहे सी जी। मीनस के आप मान लो भी एक प्लाज्मा लेना आप 300 ml तो 600 ml ले रहे सी जी। किसी ब्लड आप सैल कढ़ने मोस्टली तो 30-35 हज़ार वह कट रहे 70-80 हज़ार यानी कितना कितना उन्होंने जिंदगी खिलवाड़ किया जा रहा है जिंदगी खिलवाड़ डोनर की नाले धोखा तो ना ही फिर वो 2 नंबर से पटियाले तो पटियाले तो बाहर बेचा जा रहा है वो सारा सी मतलब स्कैंडल करके स्ट्रिंग लगा के पकड़िया तो धनवादी हैं पटियाला प्रशासन के जी। तो सिविल सर्जन साहब पटियाला इन्हों मतलब टीम ने बहुत ही ईमानदार नाल अपनी इंक्वायरी की इंक्वायरी कमेटी ने तो वह ब्लड बैंक अज बंद पे है जी। वो जो लाइसेंस है प्लेटलेट सैल कढ़न का वह सारी उम्र लई कैंसल करता जी। तो ये कितना कि मतलब आप गल करा पटियाला जे पंजाब की गल नहीं पूरे इंडिया लैवल के ब्लड बैंकों नसीहत मिल गई अकल आ गई कि माड़ा काम करांगे तो फिर नतीजा माड़ा ही होगा जी। एक ये साडे वल्लों साडी संस्था वल्लों सुधार कर्म कदम सी जी सुधारात्मक कदम के तहत भी पता किन्ने लोगों का भला हो गया किन्ने डोनरों का जी कितना कि भी एक नत्थ पै गई ब्लड बैंकों के मतलब माड़े काम जी। हालांकि कुछ होर ब्लड बैंक भी माड़े काम कर रहे हैं पर सानू जो असी उदों की एक्शन लेते हैं साढ़े कोई सबूत हो बिना सबूतों तो आप किसी भी मतलब पक्षा जाके किसी किसी ब्लड बैंक जे शिकायत नहीं कर सकते ना ही तो कोई पुख्ता कार्रवाई कर सकते या मतलब कार्रवाई करने बाद उन्होंने सजा नहीं दिला सकते तो सबूत थोड़े पहला होने चाहिए ने जी। कहिंदे कितना कितने गुरमुख जी ने यही चेटक अपनी घरवाली भी लाई है भी खून देने की किन्ना क सपोर्ट करते हैं परिवार इस सब लिए? देखो जी कहने समाज सेवा शुरू अपने घर तो ही होंगी है जी। जो आप खुद जहाजे होवे उमें अपना परिवार होगा तो ही आप दूजे को मतलब प्रेरणा बन सकते हैं या कह सकते हैं जी। तो मेरी वाइफ है जी मेरी वो भी ब्लड डोनर है ब्रदर मेरा ब्लड डोनर है जी। तो हजे मेरे बच्चे तो मेरे भतीजे छोटे ने भांजे उन्होंने मैं कह हूँ ही कहना ना वो इस टाइम 15-16 साल के मेरे भांजे भतीजे जो तुम 18 साल के हो जाओगे थोड़ी पहली डोनेशन मैं खुद कराऊँ ब्लड बैंक जाके कितना उन्होंने माइंड मैं प्रिपेयर करता है वो मैंने पूछते हैं भी असं 18 साल के कदों होवे कदों साढ़े नाल जाऊँगे। तो मेरी वाइफ दिसे भी जिदा असी साडा ग्रुप है साडी संस्था VMD वंदे मातरम दल उहदी मतलब ऑफिशियल मैंबर भी है बकायदा उन्होंने भी मौजूदा समय कोविड वार रजिंदरा जॉब भी करती है तो कितने अपनी जॉब तो वध करोना मरीजों की इन्नी सेवा होंदी आ हथों अपने वह करती भी है जी। पिछले समय के देखण च आया गुरमुख जी एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहा लोग ब्लड देना हट गए सी जदों इस चीज़ का रौला बाजारां दे विच इह पै गया कि ब्लड वेचिया जांदा है यद असल सच की सीगा कि ये वाकई सच है ये देखो लोगों की एक धारणा है मैं कह लोगों से जिन्हें अपनी गल है भी कड़ी नैगटिविटी है जो नैगटिव गल जी वो बहुत जल्दी फैलती है चंगी गल है पॉजिटिव गल है फैलती नहीं। तो जिस टाइम वो वीडियो एक फेक वीडियो वायरल भी हुई सी उंज भी लोग करते रहते हैं जान के जी ये समाज विरोधी अंसर ने
जान के यह जी गल् फैलाते हैं। तो दूजा सीधे तौर जिम्मेवार जनता हो जी इन गलों वेरीफाई करने के बजाय फटाफट अगे फॉरवर्ड करती है वायरल करती है जी। जनता की जिम्मेवारी है तुम अपने आप में देखो तुम कि वेरीफाई किया सिर्फ सुने आप अगे भेजता जिथों आई है जितों से पढ़ी है ऑडियो वीडियो कोई भी भावें किसी भी मतलब खेत्र चो आई है किसी भी विषय से आई है उन्होंने आप खुद पहले आप वेरीफाई करिए क्योंकि आप जिन्ना नैगेटिव गलों फैलाने वो नैगेटिविटी समाज बढ़ती है तो कोई नैगेटिव गल आती भी है मैसेज आता वीडियो आती है आपू मतलब डीटे मारी अगे शेयर ना करिए कोई चंकी गल आती है उन्होंने फैलाओ आप गल अलग ही मतलब ब्लड डोनेशन की डीमोटिवेशन की असल च लोगों की धारणा कि ब्लड बिकता ब्लड कदे नहीं बिकता कि ब्लड ना तो कोई फैक्टरी तैयार करती है ना कोई मशीन है तो ना ही मतलब ब्लड किसी कैमिकल राही तैयार होंगे ब्लड सिर्फ शरीर के अंदर ही तैयार होंगे इंसान एक इंसान दूजे इंसान को ब्लड देकर बचा सकता तो जो ब्लड की आप कीमत लाइए तो मेरे साल कीमत लखा च पहुंच जाऊगी तो ब्लड की कोई कीमत नहीं हैगी जे कि आप ब्लड बैंक जाने भी हैं तो मैं क्लीयर कर देव वो ब्लड जी आप फीस भरते हैं वो ब्लड के पैसे नहीं ब्लड बैंक के चार्जिस ने ब्लड के टैसटिंग मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मान लो आप किसी जाने लैबोरेटरी से उत्थे आप रूटीन टैस्ट कराने ऑल बॉडी के वो 2500 से 3000 के होंगे ने पर जो आप ब्लड डोनेट करते हैं तुम ब्लड डोनेट करके अपने घर आके थोड़ा ब्लड टैसट होंगे वह टैसटिंग सारी जी होंगी है वह कोस्टिंग ब्लड बैंक में 2500-3000 पैंती है तो उस तो बाद जो ब्लड बैग होंगे वो भी कीमत है 2-250 रुपया तो ब्लड बैंक स्टाफ है उन्होंने सैलरी भी है वह चार्जिस हालांकि सरकार ने फिक्स किए हुए हैं प्राइवेट ब्लड बैंक वास्ते चार्जिस 1700 से 1800 है एक यूनिट का तो वक् वक् कंपोनेंट्स ने वक् वक् रेट भी ने पर जो मेन लोड पैंती है भी ब्लड यूनिट में आप कहने PRBC उ मेन चलता है ज़्यादा लोड उसकी पैंती है तो जोड़ा सरकारी ब्लड बैंक है इंदिरा अस्पताल करिए अपना जो होर भी पंजाब है तो उत्थे रेट पटियाले का है 1550 रुपये फिक्स किया सरकार ने पर जो मरीज दाखिल होगा किसी सरकारी अस्पताल कित भी सरकारी तो सरकारी जो ब्लड चार्जिस बिल्कुल मुफ्त करते थे सरकार ने कुछ साल पहला वो बहुत वधिया उपराला सरकार का होया मरीज सरकारी अस्पताल पे आ तो सरकारी ब्लड बैंक जाऊगा कोई खर्चा नहीं है इदा ही जो प्लेटलेट सैल होंगे ने तुम अगर ले जाओगे प्राइवेट ब्लड बैंक खास कर लोड़ पैंती है डेंगू मरीजों तो वह 12500 रुपया खर्चा होंगे किट ब्लड बैंक की आपकी होंगी है प्राइवेट की डोनर साढ़े वर्ग संस्था बने भेजने होंगे ने मैं खुद भी अपना प्लेटलेट सैल डोनर हाँ हूँ तक मैं 83 बार अपने प्लेटलेट सैल डोनेट कर चुके हैं बहुत वधिया तो जे तुम प्राइ सरकारी ब्लड बैंक जाओगे तो उत्थे खर्चा 10500 रुपये है जी। इस करके भी अपना सरकारी ब्लड बैंक को पहल दईए कि उत्थे अपना खर्चा या तो घट होगा या मुफ्त होगा तो जो ब्लड का कहीं ब्लड बिकता ब्लड कदम बिकता नहीं है ये आप मन चो वहम कर दो क्योंकि आप ब्लड तुम मैं डाउन करता मान लो मेरे ही जिन्होंने आप टैसट नहीं करा ब्लड से तो बीमारी दूजे मरीज में अगे तो अगर ट्रांसफर हो जाऊगी तो टैसटिंग खर्चा है ब्लड की कीमत कोई नहीं हैगी जी। पर कितने ना कि यह भी कहा जाता है जो अगला ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड बैंक जोड़े ने लेंदे ने मुफ्त लेंदे ने पर जो देन लगे बड़ी अड़ियल रवैये फीस लेंदे ने पूरी वो उन्होंने कोई भी रियायत नहीं दी जाती कि तुहानू नहीं लगता कि यह कितने ना कि गलत है। देखो कुछ गल् है कई बार की होंगे कि ब्लड बैंक का कई बार कोई स्टाफ या कि मतलब जिन्होंने आप फेस करते हैं वह मतलब बंद का अपना एक सुभा हों भी डील किमें करना हूँ कई बंद यहोजे ने जिन्हें कि बहुत ही मिठा सुभा कई सुभा ही कौड़ा है तो कई बार असं कंप्लेट पा के असं उतों असं सस्पेंड भी कराए ने ट्रांसफर भी कराए ने गल में कर रहे हैं मतलब सरकारी ब्लड बैंक की प्राइवेट असं कंप्लेट पा देंगे होंगे उन्होंने मतलब मैनेजर या हैड न तो गल आ गई भी जिमें ब्लड से कहने भी एक लेन जाने मिलता नहीं कई लोग कहने भी मैं ब्लड देन करता किता सी तो मैं ब्लड नहीं मिलया हूँ पिछे जी गल एक मतलब पटियाला एक लेडी SHO की गल चली ब्लड डोनेशन की वह कहती मैं ब्लड डोनेट नहीं करना मैं क्या मैडम क्यों नहीं करना वह कहती मैं एक बार ब्लड डोनेट किया तो नाल मेरी फ्रेंड भी सी तो उस तो बाद कुछ दिन बाद लोड़ भी मेरी मासी जी ने मैं ब्लड लैन गई तो ब्लड बैंक वाले मैं कहते ब्लड दो मिलेगा या ब्लड देना नहीं मिलना भी सर्टिफिकेट ना लेके जी वह भी वैल्यू नहीं सर्टिफिकेट की हुई तो मैं उन्होंने क्लीयर किया मैडम जो अभी ब्लड दे के आए थे वो तो किसी मरीज के काम आई गया जी। तो जिमें आप गुरुद्वारा साहब जा मंदिर जाने उ मत्था टेकते हैं 100, 200, 50, 10 रुपये का कई बार आप लोड पै जाती है 2400-500 की हूँ तो जाते नहीं आप गुरुद्वारा साहब भाजी को पंडित पुजारी जी को भी उन्होंने वापस करो जी लोड़ है मैंने पैसे की मैं चढ़ा गया इतने वो तो दान ही करता अपना जो ब्लड अपना दान ही करता तो दोबारा मंगन की गल करो ही ना आप जी दान ही करती दूजा ब्लड मिलता क्यों नहीं सब तो बड़ा कारण
140 करोड़ की अपनी आबादी है भारत तकरीबन जी, वो ब्लड डोनेशन मौजूदा समय भी सिर्फ 2% होंगी है जी। कितना कितने अपने लोगों में ब्लड डोनेशन की जागरूकता नहीं हैगी जी, तो वह जागरूकता भी एडा अपना आबादी होकर भी आप लाहा नहीं लै रहे जी। जे कि डोनेशन अपनी 10% भी हो जाए अपने ब्लड बैंकों थैलेसीमिया बच्चों ब्लड की कहीं घाट हो भी ना जी। जिस तरह तुम्हें पहला भी दसिया कि हस्पतालों के खर्चे होंगे ने शायद ता ही करके जो हस्पताल ज़्यादा रियायत प्राइवेट खास करके नहीं रियायत देंगे, पर फिर भी कितना कितने इल्जाम लगते रहते हैं कि लुट कसुट कर रहे हैं ब्लड को लैके, अक्सर जोड़ा ये इस गलों लैके लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ये सारा जो चर्चा का विषय क्यों बनया रहा है जी, क्योंकि कुछ दिन पहला यह भी रहा कि दो संस्थाव आपस के लड़िया, उन्हें एक दूजे के इल्जाम लगाए कि तू ब्लड बैंक ब्लड जो कैंप ने ज़्यादा लगाए ने इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया, ये सारिया चर्चावान का विषय क्यों बन जाता जबकि यह एक खास जरूरत है। उदा जवाब यह कि रविंदर जी पंजों उंगलों कदे बराबर नहीं होंदिया जी, बहुत सारी संस्थावां दस चुके पहला भी इदा भी जोड़े है समाज सेवक सेवा अपने आप लिए कर रहे हैं कुछ समाज लिए कर रहे हैं भी समाज सेवा के भी कई पहलू ने जी, इदा ही भावें सेवा ब्लड के खेत्र हो रही है उद्दे भी कई पहलू ने, कई संस्थावां हैगियां इहोजियां जिहड़ी कि मतलब ब्लड डोनेशन के पैसा भी कमा रही ने ते जिवें आपां कही भी कैंप ला रही ने कैंप में कि पर डोनर जिहड़ा हुंदा जिहड़ा ब्लड बैंक मिलता प्राइवेट ब्लड बैंकों चो भावें 100 रुपये 80 रुपये सरकारी 50 रुपये 60 रुपये वो अपनी जेब च पाई जाते हैं जो डोनर वास्ते दुध किले तुम दान कर दें या कोई पिंड का सरपंच या कोई MC या कोई होर बंदा दान कर दिता तो कि ना कि मतलब उन्होंने वालों भी एक लाहा है अपनी जेबा भरन का उद्देश्य मतलब डिपार्टमेंट को गौर करनी पेगी डिपार्टमेंट की चाहिए या ब्लड बैंकों भी ब्लड बैंक ही जी रिफ्रैशमेंट है दुध केला बिस्कुट भी अभी आप देवे उन्होंने रोक लगा दो तुम भी अपना कुछ लैके नहीं आना सिर्फ डोनर लेके आना तो यदा बेनीफिट यह होगा कि कितना कितने कई संस्थावें जी मतलब सही काम भी कर दें ब्लड बैंक लिए अरेज कर दें मतलब भावें रिफ्रैशमेंट दे है समान का या टेंट कुर्सियों का होर का फिर उन्होंने फोकस सिर्फ डोनर लैके आने हो बाकी तो सारा प्रबंध ब्लड बैंक खुद करे जिहड़ी संस्था सिर्फ अपना ध्यान रखे भी उन्हें किने वध तो वध किवें ब्लड डोनर लेके आने ने किवें लोग मोटीवेट करने ने ते वध तो वध ब्लड डोनेशन तां होगी जी। अक्सर बहुते लोगों नूं खून देण बारे जानकारी नहीं है कि उहदी कोई सही उम्र है भी इस उम्र के ही ब्लड डोनेट करना चाहिए या सैल देन का की सिस्टम है, काफ़ी लोग इस तो डरते हैं ये बारे तुम दर्शकों नूं की कहोगे? गल उत्थे आ गई भी जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है भी हर 18 साल तो बाद तंदुरुस्त बंदा 65 साल तो घट अपना खून दान कर सकता जी, सैल दान भी कर सकता जी। पर की अपने जागरूकता लिए मतलब सरकार वालों भी कह प्रशासन वालों भी कोई बहुते मतलब प्रोग्राम नहीं चलाए जाते मतलब आप कही स्कूल पद्धर से आप शुरू कर देंगे लैक्चर देने ब्लड डोनेशन से इवेंट करने तो जो तक बच्चा 18 साल का होगा वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो या करेगा तो ब्लड डोनर तैयार हो जूगा तो ब्लड डोनर लिए मतलब एक कोई कोई लैक्चर भी कोई ऐड होना चाहिए कोई ना कोई अपनी स्टडी से मतलब अपनी गल करिए आप इतने अपनी स्टडी कंप्लीट करी बैठे हैं आप अपने कद किताब कोई लैक्चर नहीं पढ़िया कोई लैसन नहीं पढ़िया कोई ब्लड डोनेशन मैं तो पढ़े तुम पढ़िया कदे नहीं नहीं मैं खैर नहीं पढ़िया पर मैं दसा भी जो मैं 8th स्कूल च ब्लड डोनेशन कैंप किया गया ऑर्गनाइज तो उदो मेरी उम्र तो नहीं मैं लगे भी मैं ही ब्लड डोनेट करूँगा कितना कितने उतो एक मैं अकल ला लो जब मैं लगे भी ब्लड डोनेशन होंगी की है जो तो फिर मैं 18 साल का होया मैं भी ब्लड डोनेट किया पर स्कूल पद्धर से कॉलेज पद्धर से सरकार चाहिए कि वह यूथ को मोटीवेट कर कि अपने देश की 70% आबादी का यूथ है तो डोनर भी मतलब ज़्यादा गिनती यूथ अपना तो वो तो वह मतलब नौजवानों भावें मुंडे भावें कुड़िया ने उन्होंने जागरूक करिए आप कि खूनदान के की फायदे ने पहला फायदा अपने शरीर में है दूजा फायदा फिर मरीज में है जो आप ब्लड डोनेट करते हैं 4 कंपोनेंट्स बनते हैं तो एक बार खूनदान करके 4 जिंदगियां बचाने हो तो यह गल्ल आपां मतलब जिवें अज मीडिया के राही आपां लोगों रूबरू हो रहे हैं समझा रहे हैं इदा जिवें आपां नूं मतलब स्कूलों पद्धर से कॉलेज पद्धर से महल्या पिंडा जी सत्थ बैठती है उत्थे भी लोग आपस चर्चा कर भावें पिंड के सरपंच पंच ने नौजवान ने जागरूक लोग ने भी एवें अपने वो गली गली पिंड पिंड शहर शहर एक दूजे जागरूक करे तो मैं अक्सर कहना भी एक खूनदानी ही दूजे खूनदानी तैयार कर सकता आप अपने आप जी एक संकल्प ले लीए मैं अगर खूनदानी हाँ तो एक मैं यहोजा बंदा खूनदानी तैयार करा जो खूनदान नहीं करता जिन्हें कदम नहीं किया तो खूनदान करने तो बाद भी वह रैगूलर खूनदान करता रहे हर 3 महीने बाद ही एक बेनीफिट है ऐ ना हो खूनदान करके मुड़ के खूनदान करे ही ना वह भी नुकसान है रैगूलर खूनदानी का होना बहुत जरूरी है तो वो सेहत वास्ते भी बड़ा बेनीफिशियल है अजक जी देखो यह बीमारियां फैल रही बहुत सारिया बीमारियां ने थोड़े खूनदान करने थोड़े शरीर बाहर निकलदियां ने तो
ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਹੀ ਲੱਜੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਜਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੇਜਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਵੈਸੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਦੇਵੀਗੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 100-100 ਰੁਪਇਆ 200-200 500-500 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਵਰਾਂਡਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਲਣ ਪੱਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਮੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਮੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਥੋਰਟੀ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜੀ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਘੁਮਾਏ ਮਤਲਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
पर आखिरी दे विच असी जरूर चाहांगे कि तुसी दर्शकां नूं ते खास करके जिहड़े नवें नौजवान कुड़ियां ने ओह इक चंगी समाज सेवा संस्था नूं किवें पछाणन, किवें ओह समाज सेवा दे विच अग्गे आण ते की किवें ओह इक चंगे नागरिक बन सकदे ने, क्योंकि अक्सर हर बंदा सोचदा कि मैं किसी ना किसी संस्था नाल जुड़ के एक चंगी समाज सेवा कर सकां। उहदे लई मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि राह पै जानी है वाह पै जानी है जी। तुसी कोई भी संस्था भावें मतलब किसी भी फील्ड च काम कर रही है, एक मतलब इमोशनली ना हो भी ये बंदा जो शॉर्ट कर रहा है, भावें अच्छ मैं इतने लाइव होकर गल कर रहे हैं इंटरव्यू चल रहा भी बंदा फेसबुक से बड़ी फोटो पाँगा वीडियो पाँगा वो एक जो सोशल मीडिया कितना कितना दिखावा भी है। आप दिखावे नालों जमीनी पद्धर देखो की काम हो रहा कितना कितने आप भी अचानक उन्होंने मतलब दफ्तर से अचानक उन्होंने मतलब भावें अड्डिया से ज फील्ड से आप जाके विजिट करिए उन्होंने आप परखीए पहला आप परख के आप फिर उन्होंने मतलब ज्वाइन करिए फिर भावे चाहे उन्होंने एक रुपया भी दान करना फिर दान करिए मतलब अपना की है। आप कई बार देखते हैं कई बार कोई वीडियो फोटो इमोशन होकर आप जुड़ जाने संस्थावान जो दान कर देने वो कितना कितने मैं देखा भी अजकल लोग की ट्रेंड चल रहा है सिंपथी सिंपथी लैके लोग ना हमदर्दी लैके लोग लोगों ने बड़ा ठग रहे हैं तो अपने खास करके मैं कहने पंजाबी लोग ने बड़ा मतलब जल्दी इमोशनल हो जाते हैं तो आप मतलब जल्दबाजी ना करो सू पहले गल पहले परखो समझो जी। पूरी वेरीफाई करके फिर बचो भावे ज्वाइन करो जा कोई जो दान करना भावे चाहे 10 रुपये भावे 5 रुपये चाहे 100 रुपये फिर करो जी। खैर बहुत बहुत अज असी धन्यवाद करांगे गुरमुख जी का क्योंकि उन्होंने सानू अज दी इंटरव्यू राहे बारे जिहड़े नवें नौजवान ने कुड़ियां ने वो किसी ना किसी ढंग नाल समाज सेवा दे विच जुड़ना चाहते हैं उन्होंने एक चंगी सेध दित्ती। सो गुरमुख जी साडे स्टूडियो विच पहुंचने लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद जी।